अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वाल्कर का 10th एडिशन है, चैप्टर 31 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन एंड अल्टरनेटिंग करंट, प्रॉब्लम 32। एक जनरेटर है जिसकी ईएमएफ दे दी गई है कि वो साइनोसाइडली वेरी कर रही है, पीक वैल्यू 25 वोल्ट है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी 377 रेडियन पर सेकेंड है, 12.7 हेनरी के इंडक्टर के साथ हमने उसे जोड़ दिया। अब वो कहता है एक सूरत में मैक्सिमम करंट बताओ, जब करंट मैक्सिमम होगा तो उस वक्त ईएमएफ जनरेटर कितनी प्रोड्यूस कर रहा होगा। अगर किसी लम्हे पे ईएमएफ -12.5 है और वो मैग्नीट्यूड में बढ़ रही है, उस लम्हे करंट क्या होगा। अब हम जानते हैं कि भाई जनरेटर जो इंडक्टर के क्रॉस में लगाया गया है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी और इंडक्टर के जो अप्लाइड ईएमएफ होगी और जो इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगी वो बराबर लेंगे आइडियल, क्योंकि इंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस नहीं होती। तो हम कहते हैं आइडियल केस के अंदर आर जीरो होगी इंडक्टर की, तो जितनी ईएमएफ अप्लाई होगी उतनी ही इंड्यूस्ड होगी। तो जनाब वाला आई मैक्सिमम हम जानते हैं, ई मैक्सिमम ओवर एक्सएल, एक्सएल ओमेगा डीएल लगाया जा सकता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी दी हुई है, इंडक्टेंस भी दी हुई है, पीक वैल्यू भी दी हुई है, तो ये 5.22 × −3 एम्पियर का पीक करंट आएगा, मैक्सिमम करंट। अब जब करंट मैक्सिमम है तो उस वक्त ईएमएफ कितनी होगी, तो हम जानते हैं ई बराबर होगा एल डीआई ओवर डीटी। यहां से आई मैक्सिमम का जब हम रेशियो उठाएंगे तो आई मैक्सिमम तो कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, वो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब इसमें ये जीरो हो गया तो ईएमएफ जीरो आ जाएगा। उस लम्हे हम कहेंगे ई जनरेटर की ईएमएफ कितनी होगी, जीरो हो। फिर अब वो कहता है अगर ईएमएफ जनरेटर की -12.5 हो तो इसका मतलब 25 पीक थी उसका हाफ कर दिया नेगेटिव के साथ। तो हम जानते हैं जैसे मैंने पहले कहा उसकी गिवन इक्वेशन ये है, तो हमें इसकी वैल्यू हाफ करने के लिए साइन ओमेगा टी का आंसर -1/2 चाहिए ताकि ये चीज बन सके। तो इसका मतलब साइन ओमेगा टी की जगह -1/2 लगा देंगे। अगर मैं इसका डिफरेंशियल उठाता हूं तो ये तो कॉन्स्टेंट है, ई एम पीक वैल्यू है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल लेंगे तो ये ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि इसका आंसर माइनस में लाना है, क्योंकि आपके पास उसने कहा कि इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, चूंकि जवाब माइनस में है तो इसका मतलब नेगेटिव की जानिब ज्यादा नेगेटिव हो रहा होगा, यानी आप कह लो कि अपोजिट साइकिल, एक नेगेटिव एंड वाला साइकिल इंक्रीज कर रहा होगा। तो कॉस ओमेगा टी को <0 आना चाहिए, तो हमें इसका जवाब लाना होगा 2n π − 5π/6। अब आपके पास अगर हम यहां से करंट निकालें तो हम जानते हैं कि भाई आपके पास आई इंटू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस वाई होता है, क्योंकि इसके लिहाज से वो इस टूल को फॉलो कर रहा होगा। तो जनाब वाला अब आपके पास मैक्सिमम करंट भी है, ओमेगा टी डिफाइन हो चुका है 2n π − π/6, और चूंकि उसे हम जानते हैं कि इंडक्टर में π/2 का लैग आ रहा होता है, तो वो माइनस के π/2 आ गया। अब इस सारे एंगल को सॉल्व करेंगे, साइन के साथ वैल्यू लेंगे तो उसके √3/2 आ जाएगा, इस सारे के साथ सॉल्व करेंगे तो 4.51 × −3 एम्पियर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सलूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।